अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इल्हम। मोहतरम बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईदगाह इंतज़ामी कमेटी बसो कल्याण की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून बरोज़ पीर ईदुल अज़हा की नमाज इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक 8:30 बजे अदा की जाएगी। नमाज ईद मौलाना हाफिज़ फरखुंदा अली साहब पढ़ाएंगे और नमाज से कबल खिताब हाफिज़ नसीरुद्दीन साहब जनाब खिताब करेंगे। लिहाजा आप तमाम से मोदिबाना अपील की करता हूँ कि आप तमाम लोग ईदगाह पर वक्त मुकर्रा पर पहुँच कर ईद सईद की फयूज़ और उसके बरकात को हासिल करें। ईदगाह पर ईद की नमाज़ अदा करना अफजल है, ये एक बहुत ही अहम ईद है। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, सैयद उल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आलमगीर इस्लामी हमियत और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद का ये मौका इनायत फरमाया गया है। तकबीरात कहते हुए, अल्लाह की किबरियाई बयान करते हुए, उसकी हमद सना बयान करते हुए ईदगाह पहुँचें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इल्हम। ईदगाह पर नमाज से फारिग होकर हम सब अपनी कुर्बानियों को अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब को ईद सईद अता फरमाए, अमन व अमान के साथ खुशियों के साथ ईद की खुशियां हम सबको नसीब फरमाए, सारे आलम के अंदर अमन व बहाल फरमाए और मुसलमानों को और सारे आलम के तमाम इंसानों को दुनिया के अंदर सुकून और अमन और इंसाफ अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ईदुल जुहा की खुशियां नसीब फरमाए, उसके बरकात नसीब फरमाए। ये आप तमाम से गुजारिश है कि वक्त मुकर्रर से पहुँच कर हम सब ईद को आप पर जमा होकर खुदा की किबरियाई को बयान करें। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभानल्लाह बकरतुम वसीला व सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबी अजमईन।